प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के हिंदी विषय में आज इस वीडियो में आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कामानी महाकाव्य से लिया गया श्रद्धा मनु नामक पाठ। देखिए उसी के आगे देखिए जो कल पढ़ा था, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लू ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की प्यारी हूं संतान। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा कहती है कि मेरे मन में नया उत्साह भरा हुआ था, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, और मेरे मन में यह लालसा थी कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं, कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं। देखिए ललित कला होता है जैसे नृत्य करना, वीणा वादन करना, गायन करना इत्यादि, ये ललित कला के अंतर्गत आते हैं। सीख लूं ललित कला का ज्ञान, मेरे मन में यह लालसा थी कि मैं भी ललित कला का ज्ञान सीख लूं, इधर रह गंधर्वों के देश, मैं गंधर्व देश की निवासी हूं, अर्थात मैं गंधर्वों के देश से आई हूं, पिता की प्यारी हूं संतान, और मैं अपने पिता की एकमात्र प्यारी संतान हूं, दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। देखिए दृष्टि जाती जब जाती हिमगिरी ओर, श्रद्धा आगे कहती हैं कि जब हमारी नजर इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तो मेरा मन अधीर होकर व्याकुल होकर प्रश्न करने लगता है धरा की यह सिकुड़न भयभीत, कि इस पृथ्वी पर यह मन को डराने वाली कैसी सिकुड़न है, आह कैसी है क्या है पीर, यह कैसी आह है और जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही, आगे देखिए, बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर, श्रद्धा आगे कहती हैं कि जब मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठने लगे तो मेरे पैर रुक न सके, वे बढ़ने लगे शैलमालाओं का श्रृंगार, इन सुंदर पर्वतों की चोटियों को देखने के लिए मेरे पैर आगे बढ़ने लगे, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार, और इन पर्वतों को देखकर मेरी आंखों में जो भूख थी वह मिट गई। आह कितना सुंदर संभार, कि यह हिमालय पर्वत कितना सुंदर है। आगे देखिए, यहां देखा कुछ बलिकान, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ मन में ऐसा अनुमान। देखिए श्रद्धा आगे कहती हैं, यहां देखा कुछ बलिका अन्न, श्रद्धा कहती है कि जब मैंने यहां कुछ बलिका अन्न देखा,
जब मैंने यहां कुछ बलिकांड देखा तो विचार करने लगी भूत हित रत किसका यह दान कि जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए रखा हुआ यह किसका दान है कि जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए रखा हुआ यह किसका दान है। इधर कोई है अभी सजीव, ऐसा मन में अनुमान, और यहां अवश्य कोई जीवित प्राणी है जिसने यह अन्न दान स्वरूप रखा है। यह मैंने अपने मन में अनुमान लगाया। श्रद्धा कहती है कि जब मैंने अन्न को रखे हुए देखा तो मन में विचार करने लगी कि जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए ये अन्न किसने दान के रूप में रखा है। अवश्य ही यहाँ कोई जीवित प्राणी है जिसने यह अन्न दान स्वरूप रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही।